नादर शाह ने जकरिया खान नूं कहा भी सिखां दा कोई हल कर नहीं तां इह पूरे भारत ते कब्जा कर लैणगे। उसने 20,000 दी फौज सिर्फ सिखां नूं लभ के मारन लई ही बनाई सी। अपनी मौत मूहरे देख जकरिया खान सिंघां नूं कहिंदा गलती हो गई माफ कर दो। जदों नादर शाह ने अपनी वड्डी फौज नाल आके भारत ते हमला कीता ते लगभग कहिंदे ने 90 करोड़ रुपया लुट के नादर शाह वापस चला गया। वापसी दे समय पंजाब विचों लंघदे समय नादर शाह दी फौज दा टकरा सिखां नाल होया। सिखां ने गुरीला युद्ध नीति अपनाउंदे होए नादर शाह दे चुंगल विचों 10,000 बच्चे ते औरतां नूं छुड़वाया अते उहनां दे घर घर पहुंचाया। उत्थे फिर नादर शाह जकरिया खान नूं मिलदा है क्योंकि जकरिया खान ते नादर शाह दी फुल थापी सी, जां कह सकदे हां कि जकरिया खान नूं नादर शाह दी फुल सपोर्ट सी। जदों नादर शाह ने जकरिया खान नूं पुछया कि इह कहिड़े लोक ने जिहड़े इन्नी बहादुरी नाल मेरी फौज दे उत्ते हमला करदे ने अते 10,000 बच्चे अते जनानियां नूं छुड़वा के लै गए हन, तां जकरिया खान ने दस्सिया कि इह सिख कौम है। नादर शाह ने कहा कि फिर तूं इन्हां दा कोई हल क्यों नहीं करदा, इन्हां दे घरां नूं अग क्यों नहीं लाउंदा। तां जकरिया खान ने जवाब दिता कि घोड़ियां दीआं काठियां ही इन्हां दे घर ने। तां नादर शाह ने पुछया कि इह रहिंदे कित्थे ने ते खांदे की ने। तां जकरिया खान ने जवाब दिता कि इह जंगलां दे विच रहिंदे ने अते लंगर तैयार करके सब नूं वरताउंदे ने, सारे इकट्ठे बैठ के प्यार नाल लंगर छकदे ने ते जे कोई दुश्मन भी आ जावे तां वी उहनूं अपने वांग ही प्यार अते सत्कार नाल लंगर छकाउंदे ने। नादर शाह बड़ा हैरान होया अते उसने जकरिया नूं पुछया कि इन्हां दा गुरु कौन है। जकरिया खान ने जवाब दिता कि इह गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना गुरु मानदे हन पर अमृतसर दे सरोवर विचों डुबकी ला के शक्ति ऊर्जा प्राप्त करदे हन। अते फिर जकरिया खान ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे नादर शाह नूं विस्तार पूर्वक दस्सिया। नादर शाह ने सिखां बारे पहली बार सुनिया सी अते इह सारियां गल्लां सुन के ओह बहुत हैरान होया अते उसने जकरिया खान नूं कहा कि जे जल्दी तूं इन्हां सिखां नूं खत्म ना कीता तां इक दिन इह पूरे भारत ते राज करनगे। जकरिया खान ने जदों नादर शाह दे मुंह तों इह बोल सुने तां ओह वी हैरान ते परेशान हो गया क्योंकि एडा वड्डा हाकम जेकर सिखां बारे एडी वड्डी गल कह सकदा सी तां इसदा मतलब इह सी कि ओह दिन दूर नहीं सी जदों सिखां ने पूरे भारत ते राज करना सी। सो दोस्तो, इस तों बाद ही जकरिया खान ने सिख कौम ते तशद्दुद दे जुल्म दीआं हद्दां पार कर दित्तीआं जिस नूं तुसीं इस वीडियो विच सुणोगे। 18वीं सदी सिख इतिहास विच बहुत अहम सदी मन्नी जांदी है। इस सदी विच ही सिखां ने अपना राज भाग दा दायरा बहुत विशाल कीता सी पर जिन्नीआं सिखां दी शहीदियां इस 18वीं सदी विच होईआं उन्नीआं कदे नहीं होईआं। आपां कह सकदे हां कि 18वीं सदी सिख कौम लई बहुत ही भयानक ते खतरनाक सिद्ध होई है पर इतिहास विच सिखां दा सब तों ज्यादा नुकसान करन वाला जालम सी जकरिया खान जिसने सिखां दे सिरां दे मुल 20,000 तक पाउण दी कारवाई शुरू कर दित्ती सी। जकरिया खान ने इत्थों तक कहता सी कि मेरे राज विच कोई भी गुर नूं गुर ना कहे क्योंकि गुर कहण ते गुरु दी आवाज आउंदी है। जकरिया खान ने ऐलान कीता कि गुर नूं सिर्फ भेली ही कहा जावे। 1726 ईस्वी दे विच जकरिया खान लाहौर दा सूबेदार बनिया सी। जकरिया खान तों पहला अब्दुल समाद जो कि जकरिया खान दा पिता सी लाहौर दा सूबेदार सी जिस दे के मौत 1726 ईस्वी दे विच हो गई सी। जकरिया खान ने सिखां प्रति चलाईयां जा रहीयां पुलिसियां नूं होर वी सख्त करता सी। दोस्तो, जकरिया खान ने एक स्पैशल 20,000 दी फौज खड़ी कीती जिस दा काम सिर्फ सिखां दा नाश करना ही सी। सिखां दे कतलेआम करन लई जकरिया खान दी फौज ने पिंडां विच इनफॉर्मर यानी कि सूए लभणे शुरू कर दित्ते जिन्हां तों इह पता लगदा सी कि सिख कदों अते कित्थे लुके होए हन अते सिखां नूं कतल करके उहनां दे सिरां दे मुल पाए जांदे सन ते उस मुल विचों ही 50 रुपए या 10 रुपए ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਾਰਮਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਮੱਸੇ ਰੰਗਰ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
उसनों पिशाब दा बन पै गया सी। दूरों दूरों हकीमा ते वैद्यां नूं बुलाया गया पर सारे ही अपने हाथ खड़े कर गए। हालत इन्नी माड़ी सी कि जकरिया खान तो तुरिया नहीं सी जा रहा। फिर एक फकीर दरवेश जकरिया खान को आया अते उसने कहा कि तू एक दरवेश एक रब्बी रू इंसान नूं बहुत कष्ट दिता है, जा उस तो माफी मंग। फिर जकरिया खान भाई मनी सिंह को गया अते माफ करन लई बेनती करन लगा। भाई मनी सिंह ने कहा कि माफी देना साडे हाथ विच नहीं, माफी देने का हक सिर्फ खालसे नूं है। फिर जकरिया खान जंगलां विच रहंदे होए उन्हां सिंघां कोल गया अते उन्हां तों माफी दी गुजारिश कीती। उन्हां विच्चों एक सिंह उठ के कहण लग्या कि भाई मनी सिंह दी जुत्ती अपने सिर विच मारिया कर, तूं तां ही ठीक हो सकदा है। दोस्तो जिहड़ा इंसान कुछ समा पहला यह कहिंदा सी कि मैं जुत्ती मार मार के तेरे बाल झाड़ देंगा, वह अज भाई मनी सिंह दियां जुत्तियां सिर च खाण नूं मजबूर हो गया सी। फिर भाई मनी सिंह दी जुत्ती लियांदी गई अते जकरिया खान दे सिर विच मारी गई ते हौली हौली जकरिया खान दा पेशाब दा बन ठीक होना शुरू हो गया। पर बीमारी दी हालत इन्नी माड़ी हो चुकी सी कि भाई मनी सिंह तो पहला ही जकरिया खान दी मौत हो गई। ते जेड़ा इंसान यह कहिंदा सी कि मेरा जन्म सिखां नूं खत्म करन लई ही होया, मैं इस धरती ते सिखां दा नामो निशान मिटाउण लई आया हां, वह अपना यह सुपना अधूरा छड के इस दुनिया तो चला गया क्योंकि खालसे दा राज खत्म करन दी बहुत जालमा ने कोशिश की। पर किसी ने ठीक कहा कि मुकदे ने सिंह मकाउण वाले मुक गए। जकरिया खान तो बाद यहीया खान अते मीर मन्नू दी हिस्ट्री अते उना दे जुलम दी कहानी अगली वीडियो विच पेश करांगे। तद तक लई धन्नवाद। तुहानू इह वीडियो किद्दां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सियो ते इदां दीआं मोटीवेशनल ते सिख हिस्ट्री नाल जुड़ियां वीडियोस देखण लई साडे चैनल जित्तांगे जरूर नूं जरूर सबसक्राइब करो जी। धन्नवाद।